कितना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। ये मैं हूँ ब्लिपी और आज हम आए हैं रोलिंग रोबोट्स में जो है वेस्ट लॉस एंजलिस में। ये स्टोर बड़ा ही कमाल है, आइए। देखो तो, वाह, ये जगह सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स के बारे में है और मुझे भी रोबोट्स बहुत पसंद है। वाओ, हे, देखो यही पर है। चलो इसे चाबी भरते हैं और छोड़ देते हैं। ओ, प्यारा रोबोट। वाह, चलो देखते हैं यहाँ और क्या क्या है। वो जरा इन सबको तो देखो। ओ, ये रहा एक रोबोट। बिल्कुल ब्रश जैसा। ओह, पता है ये क्या करता होगा? मुझे नहीं पता, पर ये है ब्लू और ग्रे। वाह, वो देखकर लगता है कि ये सफाई करता है। ये रोबोट किस एनिमल जैसा दिख रहा है? हाँ, एक क्रैब। इसे देखकर लगता है कि यह है एक इंसेक्ट। वाह, कमाल का है। इसके पैर तो देखो और जरा इस रोबोट को तो देखो। हाँ, ये जरूर देता होगा कलर। क्या बात है, चलो अपनी सैर जारी रखते हैं। वाओ, जरा यहाँ देखो, ये सभी है ट्रॉफीज। देखो तो, वाओ, ये ट्रॉफीज इस टीम ने जीती है क्योंकि इन्होंने इन रोबोट्स के साथ ये चुनौतियाँ पूरी की है, वो भी बहुत कम समय में। क्या बात है, वाओ, बहुत खूब टीम। और वहाँ पीछे भी कुछ कमाल की चीजें हैं। वाओ, जरा इस जगह को तो देखिए, इस जगह पर रखे हुए हैं कुछ रोबोट्स और कुछ बड़े ही कमाल के ऑब्जेक्ट्स। देखो तो, ये दो कौन से कलर्स हैं? वो, ये वाला है कलर ब्लू और ये वाला है कलर ऑरेंज, मेरे दो फेवरेट कलर्स। और अब हम चलाएंगे कुछ रोबोट्स। तैयार? चलो शुरू करें। ठीक है, अब अपनी सैर जारी रखते हैं। आप इन रोबोट्स को देख रहे हैं? इन सभी के सभी रोबोट्स को कुछ बच्चों ने डिजाइन किया है और साथ में कोडेड भी किया है। जरा इसे देखो। देखो, ये है हमारा ब्लिपी बॉट। हे ब्लिपी बॉट, इसने मेरी हैट भी पहन रखी है। और अब ये देखो, हमारे ब्लिपी बॉट को हाई फाई देना भी पसंद है। देखो वो। अब ये देखो, इस तरफ। हाँ, अब दोनों हाथों से। मेरा नाम है सैमी। ओ सैमी, मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ ब्लिपी, क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर मेरे रोबोट्स के लिए कोड लिख रहा हूँ। ओ कोड, पर ये होता क्या है? कोड एक तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो इन रोबोट्स को बताते हैं कि इन्हें क्या करना है। वाओ, कमाल की बात है। मुझे ऐसा एक रोबोट दिखाओगे जिसे तुमने खुद कोड किया हुआ है? हाँ क्यों नहीं, ये रहा मेरे पीछे एक रोबोट है जिसे मैंने और मेरी टीम ने मिलकर बनाया है और उसे कोड किया है। वाओ, ये तो एक बड़ा शानदार रोबोट है। क्या तुमने इस रोबोट का कुछ नाम रखा है? नहीं, अब तक तो नहीं रखा और पता नहीं क्यों। हाँ, तो शायद आप और मैं कुछ सोचते हैं और नाम रखते हैं। पहले देखते हैं कि ये क्या करता है। हमें दिखाओगे ये क्या करता है? क्यों नहीं। वो, ये रोबोट ब्लॉक्स के स्टैक्स बनाता है। आपने ये देखा? ये तो बहुत ही कमाल है। खैर, मेरे ख्याल से इसका नाम रखना चाहिए स्टैकी। हाँ, स्टैकी।
स्टैकी द रोबोट। बड़ी ही कमाल की बात है, और ये ब्लॉक्स भी बहुत ही कलरफुल हैं। ओह थैंक यू सैमी, तुमने हमें मिलाया स्टैकी से। चलो यहाँ पीछे क्या है देखते हैं। हम बाद में मिलते हैं, ठीक है? बाय। मिलते हैं। चलो इधर आओ। आपने ये रोबोट्स देखे? यहाँ पर रोबोट्स ही रोबोट्स हैं, और इन्हें देखने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। जरा इसे देखो, कमाल की बात है कि रोबोट्स बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि ये रोबोट आप देख रहे हो। ये यहाँ ऊपर क्या है? हाँ, ये है एक क्लॉक। हाँ, क्या होगा अगर आप घर के एक कोने में बैठे हैं और आपको पता ही नहीं कि टाइम क्या हुआ है? तब आप प्रोग्राम करके रोबोट को कोड करते हो ताकि ये खुद आपके पास आ सके, और तब आप टाइम देख पाओगे। क्या बात है। वो और ये रोबोट, जरा इसे तो देखो। वाह। और इस वाले में है एक छोटा क्लॉ। हेलो। वाह। मुझे लगता है कि शायद ये ऐसे खुलता होगा, कोई चीज पकड़ता होगा और उसे उठाता होगा। वाह। वाह। यहाँ नीचे तो देखो। वाह। ये क्या है? मुझे नहीं पता। और ये क्या है? मुझे नहीं पता। मजाक कर रहा हूँ। ये है हॉलो क्यूब्स। ये है एक ब्लू हॉलो क्यूब, और ये वाला है एक रेड हॉलो क्यूब। और वो बच्चे जो इन रोबोट्स को प्रोग्राम करते हैं, वो प्रोग्राम करते हैं इन्हें उठाने के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए। हाँ, और वो रोबोट्स को बताते हैं कि उनकी मदद कैसे करें। हाँ, जैसे कि ये वो रोबोट्स को बता सकते हैं, इन्हें ऐसे आंखों पर रखें जैसे हो ग्लासेस। हेलो। हेलो। वो ऐसे भी रख सकते हैं, या शायद वो इसे ऐसे हवा में उछालने के लिए भी कह सकते हैं। कमाल की बात है। जरा उस सूटकेस को तो देखो, इसे आप देख रहे हैं? उन्होंने बताया है कि इसमें रोबोट के बहुत सारे हिस्से रखे हुए हैं। हाँ, फिर शायद आप और मैं इन सारे हिस्सों को जोड़कर बनाएंगे एक रोबोट। इसमें बहुत ही मजा आएगा। ये हम चलें। रोबोट्स के बारे में इतना कुछ जानकर बहुत मजा आया। अंदर क्या होगा मैं ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वाओ, देखो तो, ये है एक रोबोट बनाने वाले का कोट। वाह, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ, टीम रोलिंग रोबोट्स। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब टाइम आ गया है एक रोबोट बनाने का। वाह। ओह, एक सी चैनल। वाह। और बड़े से गियर्स, और ये है एक मोटर, और ये लगी है बहुत से गियर्स पर। आप देख रहे हो? ओह, ये है एक लॉ। क्यों क्यों क्यों? हमारे पास ये भी है, कुछ नट्स और बोल्ट्स। वाह। ठीक है, पर सबसे पहले मैं कैसे शुरू करूं? ये बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। पर हे, जरा इन सब रोबोट्स को देखो। वाह, जरा इसे देखो। याद है हमने इसे देखा था? हाँ, ये दिखता है जैसे हो इंसेक्ट। हेलो। ठीक है, देखते हैं कैसे चलता है। इसे पीछे की ओर घुमाओ घुमाओ जैसे एक सर्कल। ये देखिए, चलो अब देखते हैं। तैयार? वाओ, आप इसे देख रहे हो? वाओ, इसे घुमाकर एक एनर्जी पैदा होती है, और इसे छोड़ने पर हाँ, ये एक इंसेक्ट जैसा चलता है। हाँ, एक मिनट रुकिए, ये रोबोट क्या करता है? हाँ, याद है हमने बात की थी कि ये भरता होगा कलर्स। क्या आप इस मार्कस के कलर्स देख सकते हो? ये कौन से कलर्स हैं? येलो, ब्लू और रेड। चलिए इनके ढक्कन निकालते हैं। ये लो, हो गया। और अब चलो हम इसे इस व्हाइट पेपर पर रखते हैं, ठीक यहाँ, और अब इसे शुरू करते हैं। वाओ, वाओ, देखो कैसे घूम रहा है। वाओ, वाओ, देखो तो, वाओ।
कितना कमाल है ना। हाय, तुमने कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है। सही कहा, जरा इसे देखो तो। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ रोबोट्स लाई हूं। क्या सच में? आखिर तुम क्या लाई हो? एक रोबोट? एक रोबोट जिससे हम बैटल करेंगे। वो, पर पहले से बनाना होगा। सच में? तो अगर मैं इस रोबोट को बनाता हूँ तो हम दोनों साथ में रोबोट्स की बैटल कर सकते हैं। सही कहा। ठीक है। और ये रहा स्क्रू ड्राइवर। एक स्क्रू ड्राइवर। और ये रही तुम्हारी बैटरी। एक बैटरी। रोबोट्स को उसी से एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये रहे पार्ट्स। थैंक यू, हैव फन। थैंक्स। चलो इसे बनाए। आपने सुना ना, अगर मैं ये रोबोट बनाता हूँ तो वो और मैं रोबोट्स की बैटल साथ में करेंगे। वो यहाँ है एक मोटर और यहाँ है गियर्स। और शायद ये है इसके लेग्स। याद है हमने पहले एक रोबोट देखा था जो एक एनिमल जैसा दिखता था? हाँ, वो रोबोट था जो दिखता था एक क्रैब जैसा। हाँ, और हम उसे ही बनाने वाले हैं। चलो बनाए। खूब, देखो तो, ये है एक ब्लिपी रोबोट और ये है एक ब्लिपी क्रैब रोबोट। बहुत खूब, बहुत खूब ब्लिपी। हे बी, तुमने इसे बना लिया? हाँ, और मुझे बहुत मजा आया। क्या बात है। हाँ। तो बैटल का समय हो गया है, क्या तुम तैयार हो? बैटलिंग? हाँ, मैं तैयार हूँ, चलो चलें। तो ठीक है, चलो बैटल की तैयारी करते हैं। यही है हमारा बैटल ग्राउंड है। तो हम मेरे कैसे पास खेलेंगे? है एक रोबोट। अच्छा? हम इसे शुरू करेंगे और ये रहा स्विच। समझ गया। हम इसे ऐसे शुरू करेंगे, देखो हमारे रोबोट सब तैयार हैं। ओके। और हम इन्हें प्लेटफॉर्म की साइड पर रखेंगे। तो जो पहले नीचे गिरेगा वो हार जाएगा। तैयार? तैयार। 3, 2, 1 गो। अरे नहीं, ये तो दोनों गए। तुम जीत गई, बहुत खूब। चलो फिर से करते हैं। ठीक है, आ जाओ। ओके। मेरा छोटा हाथ तो टूट गया। ये हम चले। ये बुरा हुआ, पर ये मैं रहा अब भी बैटल कर सकती हूँ। मेरे वाले के भी हाथ टूट गए। कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो हम उसके बिना ही बैटल करेंगे। शायद बिना एक हाथ के, शायद इस बार मैं जीत जाऊँ। ठीक है, तैयार? 3, 2, 1 गो। तुम्हारा रोबोट बहुत जल्दी गिर जाता है। तैयार? चलो एक बार फिर करते। चलो आ जाओ। 3, 2, 1 बूम। मेरा पहले गिर पड़ा, तुम जीते। इसमें बहुत मजा आया। चलो हमारी रोलिंग रोबोट्स की ये सैर जारी रखते हैं। वाओ, हेलो हेलो। हम सैमी से मिले थे, याद है आपको? हाँ, शायद वो प्रैक्टिस कर रहा है रोबोट ड्यूल की। शायद मुझे और आपको चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और बैटल पर जाना चाहिए। चलो आ जाओ। हे सैमी। हाय ब्लिपी। ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें इन टावर्स को नीचे गिराना है। ओके, एक मिनट, बस मुझे रिमोट उठाने दो। क्या तुम तैयार हो? हाँ। चलो 3, 2, 1 गो। वाओ, या, एक बाई और, क्या बात है। एक और गिरा। क्या बात है, सब गिरा दिए। क्या बात है, बहुत ही मजा आ गया। शुक्रिया तुमने हमें बुलाया इस रोलिंग रोबोट्स में। ठीक है, खैर ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब, तो ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय बाय। ये मैं हूँ ब्लिपी और आज मैं हूँ स्नैप सर्कस सेंटर में ऑबन वॉशिंगटन। वो जरा इस जगह को देखो। वाओ, ये जगह कितनी रंगीन है। और इस जगह आकर बच्चे सीखते हैं कुछ सर्कस के करतब। ओ हे, तुम कौन हो? मैं हूँ कोच क्रिस्टल और मैं तुम्हें सिखाऊंगी सर्कस के कुछ करतब। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ।
सबसे पहले तुम्हें उतारने होंगे जूते। ओके, मुझे जूते उतारने होंगे। ओके, चलो उतारते हैं। एक जूता, दो जूते, ठीक है। अब मैंने जूते उतार दिए हैं और अब हम सीख सकते हैं। वाओ, जरा इस जगह को देखो, ये कितनी कमाल है। लगता है यहाँ पर बहुत सारी लाजवाब चीजें हैं। वाओ, हाँ, यहाँ है कुछ जगलिंग बॉल्स। हम इसके साथ बाद में खेलेंगे। फेदर्स, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बड़ी अजीब बात है। वाओ, देखो यहाँ पर है टाइट वायर्स। मैं इस पर बैलेंस बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वाओ, एक ट्रैम्पोलीन, ये बहुत ही बाउंसी है। मुझे इस पर कूदने का मन कर रहा है, पर मुझे वार्म अप और स्ट्रेच से पहले ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, वो ये देखो, ये है एक डंडा जिस पर लटक सकते हैं। वो वो एक एरियल फैब्रिक। वाह, ये कौन से रंग का है? हाँ, ये रंग है जामुनी। ओह, यहाँ पर आओ, एक और है और ये रंग है पीला। ओके, बहुत खेल लिया, करते हैं वार्म अप ताकि हम स्ट्रेच कर सकें और थोड़े मजे कर सकें। ओह हे, हाय ब्लिपी, वार्म अप के लिए तैयार? हाँ, मैं तैयार हूँ। ठीक है, हम उस दीवार तक दौड़ते हुए जाएंगे और वैसे ही वापस आएंगे। तैयार हो? ओके, ठीक है, तो चलो। देखो तो, मैं दौड़ रहा हूँ। ठीक है, अब बीच में जाकर हाथों से सर्कल बनाते हैं। ओके, हमें ऐसे हाथ घुमाना है। एरियल फैब्रिक और ट्रपीज को पकड़ने के लिए हाथ तैयार करने होंगे। वाओ, अब आगे की ओर जैसे कि तैर रहे हो। ओके, देखो तो, मैं हाथों से सर्कल्स बना रहा हूँ। ठीक है, अब नीचे बैठकर करते हैं बटरफ्लाई स्ट्रेच। पंजों को पास मिलाकर बनाते हैं बटरफ्लाई। ओह, ये देखो, मैं बटरफ्लाई के पंखों जैसा कर रहा हूँ। हाँ, बटरफ्लाईज पहले एक कैटरपिलर्स होती हैं, बाद में मेटामॉर्फोसिस से गुजर के वो बन जाती है सुंदर सी बटरफ्लाई। ठीक है, पंखों को पास लाओ और दबा कर सीधे करो। अब हम पीछे ढुलकने वाले हैं। अपने पंजों को पकड़ो। तैयार? 5, 4, 3, 2, 1, चलो पीछे। ठीक है, फिर से एक बार करते हैं। इस बार हम गिनते हैं 3, 3, 2, 1, चलो पीछे। ठीक है, चलो अब खड़े हो जाओ, शरीर गर्म हुआ? हाँ। चलो सर्कस के कुछ करतब करते हैं। चलो चले। वाओ, वो बहुत ही कमाल था, देखा वो कितना ऊंचा कूद रही थी। वाओ, देखो तो ये क्या कर रही है। कमाल है ना, बच्चे इस जगह आकर सर्कस के करतब सीखते हैं। वाओ, इसे देखो। वाओ, ये इस एरियल कपड़े को अच्छे से इस्तेमाल कर रही है, देखो तो। वाओ, जरा इस एरिया को देखो, ये बहुत ही कमाल है। मेरे पीछे लगे हुए ये बड़े से कागज देख रहे हो? हाँ, उन पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं। हाँ, जैसे गोल्स, और इन्हें पूरा करने पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। चलो देखते हैं। स्ट्रैडल अप इन द एयर। वाओ, इसका मतलब जितने भी लोगों ने यहाँ पर अपना नाम लिखा है, हाँ, उन्होंने ये पूरा किया है। जैसे नील, अलिसा, जोना, जोई। वाओ, बहुत खूब। वाओ, यहाँ और क्या है? वाओ, स्ट्रेट लेग कार्ट व्हील। ओह, ये मुश्किल है, पर देखो तो कितने सारे लोगों ने ये किया है। वाओ, कितने कमाल की बात है। सिक्स क्लब पासिंग। वाओ, ये बहुत ही मुश्किल है। हाँ, अब तक इसे एक ने भी पूरा नहीं किया है। वो ये कमाल है ना। चलो ऐसा करते हैं, मैं एक गोल चुनता हूँ और उसे पूरा करने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही मजा आने वाला है। इसे देखते हैं। स्टैंड अप विथ नो हैंड्स फॉरवर्ड रोल। ओह, मजेदार लग रहा है, जैसे कि समरसॉल्ट, पर फिर आखिर में जब हम खड़े होते हैं तब हाथों का सहारा नहीं ले सकते। हाँ, मुझे करके देखना चाहिए, इसमें बहुत मजा आएगा। मैंने कर दिया। ये रहा पेन, अब तुम अपना नाम वहाँ लिख सकते हो।
सच में? क्या बात है! ओके, ये हम आ गए और अब समय है मेरा नाम लिखने का। BLIPPI लिपी। वाह, आज तो मजा आ गया। कितनी सारी कमाल की चीजें हैं। वाह, ये क्या है? वाह, ये लग रहा है जैसे एक रेनबो। वाह, हाँ, यहाँ है कुछ जामुनी। वाह, जामुनी रिंग्स। वाह, देखो तो। अब यहाँ है कुछ नीले रिंग्स और है कुछ हरे रिंग्स। ये है पीले और है कुछ लाल सी रिंग्स। ये थोड़ी नारंगी भी है, फिर भी इन्हें लाल ही समझते हैं। और ये है कुछ गुलाबी रिंग्स। वाओ, क्या बात है, ये बहुत रंग बिरंगी है। हे, ये कौन सा आकार है? हाँ, एक रिंग होती है सर्कल, ये देखो। वाओ, शायद मैं इनके साथ जगल कर सकता हूँ, देखते रहो। वाओ, वाओ, गिरा दिया। मजा आ गया। ये देखो, हम इन्हें ऐसे घुमा भी सकते हैं। वो चलो बहुत सारी एक साथ घुमाते हैं। ये नजारा बहुत ही कमाल का होगा। तैयार? वो 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 मजा आ गया। अब ये देखो, इसे कहते हैं पैनकेक फ्लिप। इसकी प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं। हाँ, घुमाने की कोशिश करो। और ये देखो, हा, मैंने कर दिखाया। ओके, हम इन्हें वापस रखते हैं। इसे मत भूल जाना। हे, अब जब हमने उन्हें उनकी जगह ठीक से वापस रख दिया है, तो अब हम कोई और चीज ले सकते हैं। वो जैसे कि ये लगता है कि पीकॉक फेदर है। वाह, पीकॉक्स बहुत ही सुंदर होते हैं। हाँ, क्या आपने कभी किसी पीकॉक को देखा है? वाओ, हाँ, वो अपने पंख फैला सकते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। लेकिन आज मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये पीकॉक के फेदर को लेकर इसे उंगली पर बैलेंस करूंगा। ठीक है, उंगली पर रखते हैं। वाओ, देखो तो। हाँ, मैं बैलेंस कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं इसे नीचे ना गिरा दूं। वाह, हम ऐसा एक जगह पर खड़े रहकर कर सकते हैं, या शायद ऐसे हिलते हिलते भी कर सकते हैं। वाह, बहुत मुश्किल है। वाह, अब ये देखो, तैयार? इसे नाक पर रखने की कोशिश करो। वाह, वाह, मैं बैलेंस कर पा रहा हूँ। गिर गया। बहुत मजा आया। वाओ, बैलेंसिंग करना बहुत मजेदार था। हमारे पास यहाँ और क्या है? वो लगता है यहाँ पर है कुछ कुछ रॉड्स, और यहाँ है कुछ प्लेट्स। मैंने कितनी प्लेट्स उठाई हैं? हाँ, एक, दो, तीन प्लेट्स। और ये कौन से रंग की है बताइए? हाँ, नीली, लाल, हाँ, और पीली। ओके, चलो लेते हैं। ये नीली वाली, जो मेरे दो पसंदीदा रंगों में से एक है, और इसे थोड़ा घुमाते हैं। ओह, बहुत बढ़िया। हाँ, देखो कैसे घूम रही है और बैलेंस भी है। हाँ,
ओके, ये प्लेट्स प्लास्टिक की है, आपको घर में रखी प्लेट्स के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अगर वो गिरी तो टूट जाएगी। ये है सर्कस प्लेट्स। घूमो घूमो घूमो, तैयार? मैं फिर से करता हूँ। देखा आपने, मजा आ गया। ओके, मैं फिर से नहीं करने वाला। ओके, इन्हें वापस रख देते हैं और देखते हैं यहाँ और क्या है। वाओ, जरा इन्हें देखो तो, इतने सारे जगलिंग बॉल्स। हाँ, आपको पता ही है मुझे जगलिंग करना बहुत पसंद है। हाँ, ओके, ओ, ये बहुत ही रंगीन है, इसे देखो, इसे देखकर मधुमक्खी याद आती है। हाँ, मधुमक्खियाँ कमाल होती हैं, वो बनाती हैं शहद। यम, मुझे शहद पसंद है। ओके, लगता है ये है लाल और काला, और नीला और सफेद, नीला और काला। ओके, मैं इनमें से तीन लूंगा। मैं लूंगा ये तीन। ठीक है, तैयार? मैं घुटनों के बल शुरू करता हूँ जगलिंग। ओहो, जगलिंग करना मजेदार है, थोड़ा बहुत मुश्किल तो है, वो वो वो, पर प्रैक्टिस के साथ आप कर सकते हो बहुत सी कमाल की चीजें। ऑलराइट, अब ये देखो, अब मैं जगल करूंगा इन सब के साथ, तैयार? ओके, ये बहुत ही मुश्किल होगा, शुरू करते हैं। क्या बेवकूफी थी। ठीक है, अब मुझे इन्हें उठाना चाहिए। हो गया, देखते हैं वहां और क्या है। वो देखो तो, हुला हूप्स। हाँ, मुझे हुला हूप्स पसंद है। हाँ, चलो हम इन्हें उठाते हैं। ऑलराइट, चलो इधर चले। वाह, मैंने उठाई तीन हुला हूप्स। हाँ, ये हुला हूप्स कौन से रंग की है? हाँ, इधर वाली है नारंगी, पीली, लाल। वाह, क्या कमाल है ना हुला हूप। हाँ, ये वाली, हाँ ये है नीली और है चमकीले रंग की। वाओ, हे, आपको कौन सा रंग पसंद है? वाओ, बढ़िया रंग है, मेरे दो पसंदीदा रंग है नीला और नारंगी, और ये जो है, हाँ इसका रंग है जामुनी, और वो चमकीला रंग है स्पार्कल। हाँ, चलो इससे खेलते हैं। ठीक है, पहले इसे बाजू पर घुमाकर देखते हैं। वो, 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 या, वी, वू, अब ये देखो, या, ठीक है, अब ये देखो, मेरे पास एक आइडिया है, अब जब ये जमीन पर पड़ी है तो मैं इन्हें फैला देता हूं और इनमें से फुदक कर जाता हूं। ऑलराइट, पहले एक फ्रॉग की तरह, रैबिट, 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 बहुत अच्छे। ये सब सर्कस के करतब सीखकर बहुत मजा आ रहा है। वाओ, देखो तो। हाँ, याद है ना, ये है एक टाइट वायर। वाओ, हाँ, और हम कोशिश करेंगे इस पर बैलेंस बनाने की, ये बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि ये बहुत पतली है। वाओ, ठीक है, कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सीधे खड़े हो जाओ और अपनी नजर एकदम आगे की ओर रखो, ठीक है? ठीक है, अगर तुम गिरते हो तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। ठीक है, परफेक्ट, ये मैं चला। वो, 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 मैं गिर गया, कोई बात नहीं, फिर कोशिश करते हैं।
ये हम चले। मैं फिर से गिर गया, लेकिन इसमें बहुत मजा आया। ठीक है, तीसरी बार कोशिश करते हैं। ये हम चले, अब नहीं गिरूंगा। वाओ, देखो तो, मैं इस पर चल रहा हूँ। मैंने कर दिखाया, देखा? हाँ, ये बहुत ही मुश्किल था, और एक बहुत ही मुश्किल काम करके मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। बहुत अच्छे। ओके, सबसे पहले मैं इस पर रोल करूंगा। ये मैं चला। ठीक है, और अब वक्त है बैलेंसिंग का। वो 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 अब हाथ पर चलते हैं। ये मैं चला। वो 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 वाओ, आज तो बहुत ही मजा आ गया। पर ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं, तो आपको मेरा नाम बस सर्च करना होगा। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? चलो, तैयार? BLIPPI। वूहू, हा हा हा। मैं हूँ ब्लिपी, और आज हम आए हैं तनाका फार्म्स, जो है एरवाइन कैलिफोर्निया में। तनाका फार्म्स? हाँ, ये खेत है जहाँ से आप अपने लिए सब्जियाँ और फल ले सकते हो। आज बाजार जाने की जरूरत नहीं, आज आप और मैं एक खेत में हैं, तो चलो चले। जरा देखो तो, लगता है वहाँ एक ट्रैक्टर है और दो बोगिया भी। चलो चले। यहाँ तनाका फार्म्स में आप ट्रैक्टर की सवारी कर सकते हो और तनाका फार्म्स की सैर कर सकते हो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ओह, जरा देखो। हाय, आप कौन हैं? मैं फार्मर केनी। ओह, फार्मर केनी, मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ ब्लिपी। आप यहाँ क्या करते हैं? लगभग मैं सब कुछ करता हूँ, ट्रैक्टर चलाता हूँ, सबको सैर कराता हूँ। ओह, क्या हम भी सैर कर सकते हैं? क्यों नहीं, आओ बैठ जाओ। ठीक है, चलो चले। जरा देखो, मैं गाजर के खेत में हूँ। ठीक है, इधर आ जाते हैं। ये सब हरियाली देख रहे हो, ये गाजरों का ऊपरी हिस्सा है। हाँ, पर उसे खाते नहीं है। गाजर जमीन के अंदर होते हैं, और इसीलिए इन्हें कंदमूल कहते हैं। ओके, अब इस गाजर को निकालने के लिए पहले हमें उसे जमीन पर ढूंढना होगा, तो चलो इसे हटाते हैं। वो, यहाँ तो बहुत से गाजर हैं। यहाँ ऑरेंज कलर का दिख रहा है कुछ? हाँ, यही हमारे गाजर हैं, पर ये जमीन के बहुत अंदर हैं। तो चलो, मैं खोदने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा। वो, इसे कहते हैं एक जेली, और ये बहुत बड़ी है। और अब हम इससे गाजर को निकालेंगे। वाओ, अब हमें इसे खींचना होगा। हे, ये रहा हमारा गाजर। वाओ, जरा देखो तो, हमें एक गाजर मिल गया। वो, हाँ, कितना प्यारा है, मुझे ये पसंद है। इसका रंग है नारंगी। मैं गाजर को डालता हूँ अपने सलाद में, अपने हलवा में, या फिर सूप में। बहुत टेस्टी होते हैं, और ये आपकी आंखों की रोशनी भी बहुत तेज करते हैं। बढ़िया है ना। और एक ऐसा जानवर है जिसे गाजर खाना बहुत ज्यादा पसंद है, आपको पता है वो कौन सा जानवर है? हाँ, चलो वहीं चलकर देखते हैं। ओह, प्यारा खरगोश। देखो कितना प्यारा खरगोश है। वाओ, इस खरगोश का नाम है एंडी। ओह, देखते हैं हमने जो गाजर लाया है वो एंडी खाता है या नहीं। खाओ प्यारे एंडी। शायद अभी एंडी भूखा नहीं है। कोई बात नहीं, चलो खरगोश को नीचे रखते हैं, एकदम आराम से। ठीक है, आराम से बैठो एंडी। ओह, मुझे खरगोश बहुत पसंद है, कितने मुलायम होते हैं।
हे, इसका नाम है पीनट बटर और जो दूसरा है इसका नाम है जेली। ओह, एक और आ गई। जरा देखो तो इन्हें। ओह, हे, डरो मत, कोई बात नहीं। हाँ, वाव, ये मुर्गी देख रहे हो? ये है एक मॉडर्न गेम मुर्गी। हाँ, और ये मुर्गी अंडे देती है जबकि ये बहुत छोटी है। जरा देखो तो, हे, तुम बहुत प्यारी हो। वाव, ठीक है, चलो पीनट बटर को नीचे रखते हैं ताकि पीनट बटर अपना खाना खत्म कर सके। ठीक है, तुम जा सकती हो। आओ, अब चलो इधर आओ। मुझे आपको कुछ दिखाना है। वाव, जरा इधर तो देखो, यहाँ पर है कुछ अंडे। हाँ, मुर्गियाँ अंडे देती है। वाव, ये है एक अंडा, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा और ये चौथा अंडा। ये दो है बड़े अंडे और ये दो है छोटे अंडे। ये देखो, इन दोनों को मॉडर्न गेम मुर्गियों ने नहीं दिया है। ये अंडे अभी भी उन मुर्गियों के लिए बहुत बड़े हैं। ठीक है, हम इन्हें यहाँ वापस रख देते हैं और चलो चलकर दूसरी मुर्गियों से मिलते हैं। लगता है इन्हें अपना खाना बहुत पसंद आया। आप देख रहे हो, ये है गाजर। हाँ, इनका रंग है नारंगी। नारंगी रंग मुझे पसंद है, मेरे दो पसंदीदा रंगों में से एक। हाँ, ओह, और ये है प्याज। वाओ, ये कितना बड़ा प्याज है। हाँ, और इन्हें देखो, ये भी एक तरह के प्याज ही हैं, पर इस प्याज को हरा प्याज कहते हैं। हाँ, ये दोनों प्याज ही हैं, पर दिखने में बहुत अलग है। हाँ, और ये है रोमन। ये मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत हेल्दी होते हैं, मैं इसे सलाद में डालना पसंद करता हूँ। वाओ, और ये है चुकंदर। वाओ, ये है सुनहरे चुकंदर और ये है बस आम चुकंदर। ओह, देखो, जरा इन्हें देखो, ये कितने प्यारे हैं। ये एक तरह की मूली ही है। इनका रंग देख रहे हो, ये है जरा से गुलाबी, लाल। हाँ, मुझे ये रंग पसंद आया। वाओ, हे, ये तो पालक है। ये एक छोटे से डिब्बे में है, एक ट्रांसपेरेंट डिब्बा। हाँ, और पालक हरी होती है। ऐसा लगता है कि यहाँ की ज्यादातर सब्जियाँ हरे रंग की ही है। वाओ, ये मूली देख रहे हो? हाँ, जो हिस्सा हम खाते हैं वो गुलाबी लाल रंग का है, पर ऊपर का हिस्सा ये फोटोसिंथेसिस यूज करते हैं ताकि ये मूलियाँ उग सके। और देखिए, इसका रंग हरा है, पर हम इसे नहीं खाते हैं। वाओ, साग, आपको कभी इनके चिप्स बनाकर खाने चाहिए। हाँ, वो आम चिप्स जैसे ही हैं, पर हेल्दी होते हैं। वाओ, क्या ये ड्रम स्टिक्स हैं? नहीं, इन्हें कहते हैं गन्ने। वाओ, ये होते हैं बहुत ही मीठे। वाओ, ये है जापानी बैंगन। वाओ, इस रंग को कहते हैं जामुनी रंग। ये बहुत ही गाढ़ा जामुनी रंग है। वाओ, ये बढ़िया है ना, और हेल्दी भी। ओ, और ये है थोड़ा हरा सेलरी और थोड़ी बहुत फूल गोभी। ओह, इस पके हुए कद्दू को मत भूलना। हाँ, वाओ, और यहाँ पर है थोड़ी हरी शिमला मिर्च। हाँ, और इसके बगल में है लाल शिमला मिर्च। जरा देखो तो, हाँ, लाल हरा, लाल हरा। इन्हें इनकी जगह पर वापस रख देते हैं। वो, और आखिर में यहाँ है हमारे हरे मकई के भुट्टे। मुझे मकई बहुत पसंद है। बिल्ली पे हम पहुँच गए। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वाओ, मैं सोच रहा हूँ यहाँ कौन सा फल होगा। ओ, ओके, देखते हैं। चलो चले।
हमें इस तरफ से जाना होगा। ठीक है, इस तरफ से। तो चलो। वाओ, ये क्या है? ये तरबूज है। तरबूज? वाओ, लगता है यहाँ वो दो तरह के हैं। हाँ, ये जो छोटे गोलाकार के हैं, ये हैं पीले रंग के तरबूज। ओके। और वो जो बड़े वाले हैं, वो है बीज वाले लाल तरबूज। वाओ, क्या इन्हें तोड़ सकते हैं? हाँ, चलो अच्छा वाला ढूंढते हैं। ओके। तो देखिए वो वाला। हाँ, उसको उसको। हाँ, ठीक है, वो पीला वाला। ये बीच वाला? हाँ। इसे तोड़ते कैसे हैं? घुमा के। आसान है, वो जल्द अलग हो जाते हैं। वाओ, इसे देखो तो लगता है ये एक अंडाकार गोला है, या एक अंडाकार। ठीक है, और अब मैं जाकर एक लाल वाला तोड़ता हूँ। ओके। ओह, ये कितना बड़ा तरबूज लग रहा है। वाओ, ये कौन से आकार का है? मुझे ये तो गोला लग रहा है। हाँ, ये एक अंडाकार गोले जैसा है। या एक ओवल शेप। ठीक है, और अब क्या हम इन्हें यहाँ नीचे रख सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है। वाओ, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ। ओके, आओ देखते हैं। तो ये एक साधारण तरबूज है, और हम जानते हैं कि अंदर इसका कैसा रंग है, पर हमें एक बार इसे काट कर देखना चाहिए। चलिए मैं काट के दिखाता हूँ। वाओ, हाँ, बाहर से ये है हरा, और अंदर का रंग है गुलाबी सा लाल। वाओ, ये बीज देख रहे हो? ये बीज काले हैं और कुछ सफेद भी। वो ठीक है, पर क्योंकि ये तरबूज बहुत ही अलग दिख रहा है, इसमें ऐसा क्या अलग है? बस इतना ही कि ये अंदर से पीला होता है। ओह, अब मैं समझा, इसीलिए इसे पीला तरबूज कहते हैं। क्या हम इसे काट सकते हैं? हाँ, चलो काट कर देखते हैं। इस तरह से काटोगे तो आसानी से कट जाते हैं। हाँ, वाओ, मैंने पहले कभी भी इस रंग का तरबूज नहीं देखा था। देखो, इस रंग को कहते हैं पीला। वाओ, ठीक है, चलो इनकी तुलना करते हैं। पीला लाल, पीला लाल, और दोनों ही टेस्टी हैं। ओ, वाओ, चलो खा कर देखता हूँ। बहुत ही मीठा है। पीले तरबूज का स्वाद मुझे बहुत पसंद आया। बताओ, तुम्हें कौन से रंग का तरबूज पसंद है? मुझे पीले रंग का तरबूज पसंद है। इसका स्वाद थोड़ा अलग है, पर बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, तुम सच कह रहे हो, बहुत ही अच्छा स्वाद है। आप भी खाओगे? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरीज बहुत टेस्टी होते हैं। चलो हम कुछ स्ट्रॉबेरीज तोड़ते हैं। ओके, आप ये डिब्बा देख रहे हो, इसे क्लैम शेल कंटेनर कहते हैं। हाँ, क्लैम क्या होता है जानते हो? हाँ, क्लैम एक शेल फिश होता है, और वो इसी तरह दिखता है। ओके, हम चलकर 20 स्ट्रॉबेरीज तोड़ेंगे। ये तो बहुत ही ज्यादा है। ओके, तैयार? एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, वाओ, आठ, नौ, दस स्ट्रॉबेरी। अब हम आधे तक आ गए हैं। ग्यारह, बारह, घटा एक, हुआ ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, हो ही गया, अठारह, उन्नीस, और ये आखिरी बीस। 20 स्ट्रॉबेरी हमारे क्लैम शेल कंटेनर के अंदर। बहुत खूब। आखिर ये किस चीज के पौधे हैं? मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। वाओ, इन्हें देखो तो, ये कितने लंबे हैं। ऐसा लग रहा है मकई के झाड़ हैं, पर मैं जानता हूँ ये मकई के झाड़ नहीं है। वाओ, वो मुझे बस लगने ही वाला था।
हम रुक रहे हैं। ब्लीपी, हम गन्ने के खेत में आ गए हैं। गन्ने का खेत आ गया, क्या आपने वो सुना? हो, तो ये सब वो ही होंगे, बहुत से गन्ने। ओ, अच्छा है, ठीक है फार्मर केनी। अब हम क्या करेंगे? खेतों में जाके कुछ गन्ने काटने वाले हैं। ओके। वाह, जो आप देख रहे हैं वो गन्ने हैं। ये वाला बहुत अच्छा है। वो बहुत तेज चाकू है। एक झटके में काट दिया। वाओ, गन्ने का क्या इस्तेमाल होता है? हम इसे चूस कर भी खा सकते हैं और इसे मशीन में डालकर भी रस निकाल सकते हैं। पका भी सकते हैं। क्या वो इसी से शक्कर बनाते हैं? हाँ। गन्ने से ही बनती है शक्कर। वाओ। ओके। वाओ, देखो तो। देखो, इस तरह इसको आराम से छीलकर इसे चूस भी सकते हैं। वाओ, तो क्या हम इसे चूस सकते हैं? हाँ। ओके। ये देखिए। वाओ, चाकू इस्तेमाल करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, है ना पेरेंट्स? सिर्फ बड़े ही चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह, ठीक है। ये बहुत यम्मी दिख रहा है। आप इसे चख कर देखिए। चलो इसे चखते हैं। मुझे गन्ना बहुत पसंद है। ओह, जरा इसे देखो। ओह, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा प्लांट है, पर असल में ये एक फूल है, एक बहुत ही बड़ा फूल, और इस फूल को कहते हैं सूरजमुखी। वाह, आप बता सकते हो इसे सूरजमुखी क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि ये सूरज की तरह दिखता है। ओह, वाह, और सूरजमुखी से मिलते हैं बीज। यम्मी, बीज हेल्दी होते हैं। खैर, आप सबके साथ मिलकर इस तरह का फार्म्स में फल, सब्जियां और बीज के बारे में सीखकर मजा आया, जो है एयरवाइन कैलिफोर्निया में। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियो देखने हैं तो आपको बस मेरे नाम को सर्च करना है। मेरे साथ मेरे नाम का स्पेलिंग बताओगे? तैयार? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब, चलो चले, बाद में मिलते हैं। बाय बाय।